नमस्कार आदाब सुश्रिया काल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज ऑफ द हिंदू एंड अदर दिस ऑफ़ मई 2021 विद मी मई 2021 की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपका एजुकेटर दोस्त रिश्तेदार भाई वट एवर यू वॉन्ट टू से मी इट्स एट ऑफ मई ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके सो शुक्रिया सबसे पहले आप सभी के विशेष के लिए सुबह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं मैंने सभी का रिप्लाई नहीं किया बट जिन जिन के मैसेज आए डेफिनेटली आई विल बी रिप्लाइंग दैम इंडिविजुअली सबके रिप्लाई आपको दूंगा मैं बाई द एंड ऑफ द डे और जैसे भी करके आज रात तक आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेंगे यह मत सोचना सर ने मैसेजेस नहीं देखे हमारे डेफिनेटली आई विल रीड ईच एंड एवरी मैसेज एंड आई विल रीड एवरी कमेंट ऑफ यूर्स ओके शुक्रिया फिर एक बार फिर से कलेक्टिवली सभी को कह देता हूं आ, बहुत अच्छा लगता है जब भी आ, इतने सारे लोग आपके लिए इतनी सारी शुभकामनाएं देते हैं एक अलग सी फीलिंग आती है एक अलग सा एहसास होता है और डेफिनेटली आई एम फीलिंग लाइक कि मतलब कि कुछ है नहीं शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि कैसा फील हो रहा है मुझे आज आ, Uh, इतने सारे लोग जो मुझ पर बिलीव करते हैं जिनपे जो मुझे ट्रस्ट करते हैं मुझसे जुड़े हुए हैं कोई ना कोई कारण है कोई ना कोई रीज़न है जिस वजह से मेरी उनसे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है और आगे भी वो कंटिन्यू रहे ऐसे ही मैं आपसे uh, कोशिश करता रहूँगा अपनी अपना बेस्ट देने की कोशिश करता रहूँगा ओके सो रियली वॉइस मिसमैच है अरे यार आगे भी वो कंटिन्यू रहे ओके okay, यार मैं कुछ कर नहीं सकता इस मामले में वॉइस मिस मैच है या जो भी है ओके okay, अगर वॉइस मिस मैच है तो मैं एक बार सेशन को फिर रीस्टार्ट करूंगा एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है ओके okay, यार अब मैं कुछ कर नहीं सकता इस मामले में वॉइस मिस मैच है या जो भी है अगर वॉइस में स्मैच है तो मैं एक बार सेशन को फिर रीस्टार्ट करूंगा एक बार चेक कर लेते हैं ओके सो एवरीथिंग इज फाइन क्या सब कुछ सही है एक बार बता दीजिए अगर एवरीथिंग इज फाइन स्टार्ट करता हूं नहीं तो मैं नया लिंक क्रिएट करता हूं और फिर मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा सो एवरीथिंग इज फाइन क्या सब कुछ सही है एक बार बता दीजिए अगर एवरीथिंग इज फाइन स्टार्ट करता हूँ नहीं तो मैं नया लिंक क्रिएट करता हूँ फिर मैसेज ओके okay, ठीक है सो so, uh, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के आई होप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रही है वॉइस, ओके बट पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आई हैव नो आइडिया क्यों ऐसा हो रहा है ओके okay. ओके ठीक है सो मैं जो भी बातें कर रहा था चलो अब ब्रेक हो गया बीच में ब्रेक आ गया कंटिन्यू करते सेशन को ओके okay. एंड इट्स एटथ मई 2021 और काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर आपकी यूपीएससी की जर्नी शेयर कीजिए तो आज डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शेयर माय यूपीएससी जर्नी विद यू ऑल बट सेशन को कर लेते हैं करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है हमारी उसको करते हैं और उसके बाद हम अपनी uh, कुछ बातें आपको बताऊँ कुछ अपने एक्सपीरियंसिस शेयर करूंगा डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में हेल्प करेंगे ठीक है ओके okay, ओके okay. सो so, सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा रेट केक आर्टपल एट द रेट केक आर्टपल आप ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको आ, मेरे जितने भी वीडियोस हैं पीडीएफ्स हैं उन सब की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी राइट उन सब की यहां पर मिलती रहेंगी यहाँ पर आपकी एंड uh, ये मेरा पूरा पूरा, पूरा शेड्यूल है आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं कल ध्यान से कल एवरी संडे जो मैं आपका संडे को टेस्ट लेता हूं आज बहुत कम बच्चे आए थे इन कंपैरिजन वैसे तो काफी थे बट स्टिल आज काफी कम बच्चे थे जो संडे को टेस्ट देने आते हैं आज सैटरडे का मंथली टेस्ट था आई मुझे लगा था कि आप बहुत ज्यादा आओगे बट आप नहीं आए थे बट ये चीज आप वीकली टेस्ट में मत करना कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहे आपकी रिविजन हुई है नहीं हुई है बट टेस्ट को संडे के टेस्ट को मिस मत करना कल ग्यारह बजे सुबह आना है मैं लिंक आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे राइट ठीक है चलो सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आपकी पहली न्यूज आई है ग्लोबल एफडीए फ्लो फॉल बाय 38 परसेंट इन in 2020 ट्वेंटी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट रिशिपियंट एज पर दी ओईसीडी डाटा ओके सो आरबीआई की वेबसाइट पे कुछ अपडेट्स हैं हम उसको कल करेंगे कल भी मैं एक शॉर्ट सेशन लूंगा आपका करंट अफेयर्स का सो नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम थिंकिंग कि संडे को भी आपका थोड़ा सा छोटा सेशन चाहे ले लिया करूं बट संडे को थोड़ी ना हो थोड़ी करंट अफेयर्स करवा दिया करो ताकि हमारे मंडे पर हमारा ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े तो मैं कल भी एक सेशन लूंगा उसमें आरबीआई की साइट पर कुछ अपडेट्स हैं वो मैंने देखी अभी ठीक है वो अभी आई थी आज ही आई थी तो डालना इतनी जल्दी पॉसिबल हो नहीं पाया मेरे लिए तो वो मैं कल आपको बताऊंगा तो आरबी की वेबसाइट से हम कल करेंगे आज की डेट में आरबी कॉर्नर नहीं करवा रहा मैं सो so, आज कुछ ज्यादा न्यूज नहीं रहेंगी आज सबसे पहली न्यूज आपकी एफ थी दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है कि कोई भी फॉरेन की कंपनी जो इंडिया की कंपनी में यहां पर इन्वेस्टमेंट करती है और यहां पर वो इन्वेस्टमेंट किस परपज से करती है कि हमारी यहां की डोमेस्टिक कंपनी में ऑनरशिप लेने के लिए किसी भी तरह की ओनरशिप लेने के लिए वो बाहर की कंपनी इंडिया की कंपनी में यहां पर इन्वेस्टमेंट करती है दैट इज दिंग एफ डी आई ओके सो एफ डी आई यहां पर एज पर दी ओसीडी डाटा ओ क्या है ओई है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज द ग्लोबल एफ डी आई ड्रॉपी एट परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी कंपेयर टू टू थाउजेंड नाइनटीन 2019 के कंपैरिजन में 2020 में यहां पर 2020 में 38 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है यहां पर ग्लोबल लेवल पर पे इनिस एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया किसी और कंट्री ने दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया तो ये पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड डाटा जो आया है उसमें ड्रॉप देखने को मिला है और ये आपका रहा है 846 बिलियन जो कि पिछले 15 सालों में सबसे लोवेस्ट है सिंस 2005 और ये रीजन आपको सबको मालूम है कि लास्ट ईयर कोरोना पेंडेमिक उस वजह से भी काफी कुछ हुआ था यहां पर देखने को हमें चीजें मिली थी कि यहां पर इकोनॉमी हमारी डाउन हो गई थी पूरे ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक डाउन थी तो वो भी एक बड़ा रीजन था और इसी के साथ यहां पर इंडिया बना तीसरा सबसे लार्जेस्ट रिसिपियंट जिसका पैसा आया था यहां पर 2020 में विद एन इनफ्लो ऑफ 64 बिलियन डॉलर यहां पर आया था एफडीआई के फॉर्म में चाइना सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिसिपियंट ऑफ एफडीआई बना यहां पर विद 212 बिलियन डॉलर 212 बिलियन डॉलर यहां पर फंडिंग हुई आपकी यहां पर एफ की चाइना में उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स जिसकी फंडिंग यहां पर देखने को मिली है दैट इज दन 177 सेवन बिलियन डॉलर एक सौ बिलियन डॉलर यहां पर एफ आया कहां पर आया यूनाइटेड स्टेट्स में आया है एंड दी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफ डी एनफ्लोज इन ट्वेंटी ट्वेंटी में देखने को आपका मिला है This is the outflow. Outflow यहां की यहां से पैसा दूसरे देशों में गया है यहां पर एक और फैक्ट दे रखा है वो है इन 2020 ग्लोबल एफ फ्लोस ए रिप्रेजेंटेड ओनली वन परसेंट ऑफ दी वर्ल्ड जी पूरी दुनिया की जितनी भी जी है उसका केवल एक प्रतिशत ही यहां पर एफ के फॉर्म में इधर से उधर पैसा जो गया है या फिर आया है जो कि एक सबसे लोवेस्ट था सिंस नाइन से अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है या फिर जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ से आपके इंपॉर्टेंट है या फिर जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वो चीज अब मैं आपको बताता हूं वो यहां पर आपका है यहां पर कि सबसे पहला कि ये डाटा किसने दिया है ये डाटा आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ने दिया है यहां पर ये डाटा एंड यहां पर नेक्स्ट जो डाटा है वो डाटा आपको याद करना है ये आपका टेबल दैट इज द इंडिया इज ऑन थर्ड प्लेस द 64 बिलियन चाइना इज एट दी फर्स्ट प्लेस एंड यूनाइटेड स्टेट्स एट दी सेकंड प्लेस विद 177 बिलियन डॉलर ओके सो ये बिलियन डॉलर और ये आपका यहां पर पूरा का पूरा परसेंटेज अड़तीस प्रतिशत याद रखना पड़ेगा 846 बिलियन याद रखना पड़ेगा 1 परसेंट याद रखना, 1999 याद रख लेना और ये मैंने डाटा आपको याद करवा ही दिया है दैट इज टू वन टू वन सेवन सेवन टू वन टू दूसरा वन की फिगर में है तीसरा आपका टू डिजिट फिगर है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दाइना यूनाइटेड स्टेट एंड द इंडिया ओके चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं जो कि आई है यहां पर एल बना दसवां सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एंड दर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली So, यहां पर आपका दसवां सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एंड तीसरा सबसे स्ट्रॉगेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड यहां पर ग्लोबल लेवल पे कौन बना है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यहां पर देखने को मिला है दीज आर दी टॉप टेन स्ट्रोंगेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड इन दी वर्ल्ड जिसमें आप देख सकते हैं पोस्ट इटालियन जो कि इटली से है नेक्स्ट इज द मेफ्रे स्पेन से एंड नेक्स्ट वन इज दी India, that is the LIC and the top 10 valuable insurance brands in the world. These are the यहां पर insurer, Ping Insurance और यहां पर आप देख सकते हैं LIC भी इसी figure में शामिल है. So that is the valuable insurance brand and this is the strongest insurance brand. वो उस company की कितनी value है, कितनी उस company की net worth है, अपने आप में कितनी company strong है. That is the valuable. और यहां पर business के point of view से बात की गई है top 10 strong गास इंश्योरेंस ब्रांड्स मतलब ब्रांड्स कितना आपके इंपॉर्टेंस उस चीज को देते हो कितना लोग उसको जानते हैं कितना लोग उसको पहचानते हैं कितना लोग उसपे ट्रस्ट करते हैं ये यहां पर LIC की तरफ से बहुत ही बड़ी एक खबर आई है और ये वही चीज यहां पर लिखी हुई है आखिरकार ये किसने दी है

पहुंचा है कितना पहुंचा 8.65 बिलियन डॉलर पे ये आपका पहुंचा पिछले साल के मुकाबले सात प्रतिशत की बढ़ोतरी उसके यहां पर वैल्यू में देखने को मिली है इसी रिपोर्ट के अनुसार यहां पर रिपोर्ट ने एक डिक्लाइन भी देखने को मिला है इन दी टोटल वैल्यू ऑफ दी वर्ल्ड टॉप 100 मोस्ट वैल्यूबल इंश्योरेंस ब्रांड में यहां पर जो टोटल उनका ब्रांड की वैल्यू है वो गिरावट हुई है क्योंकि ऑब्वियस है कोविड था काफी कुछ हुआ था तो इसी वजह से यहां पर इंश्योरेंस ब्रांड की ओवरऑल ओवरऑल वैल्यू है सबकी वैल्यू मिलाकर यहां पर गिरावट ही आई है बट यहां पर जो एल की वैल्यू है वो यहां पर इंक्रीज हुई है और ये आपके टॉप वैल्यूएबल ब्रांड जो मैंने पिछले पेज पर बनाए थे ये वही यहां पर लिखे हुए हैं एल का यहां पर नंबर है दसवां और उसमें एल का नंबर है तीसरा एल आई सी के चेयरपर्सन का नाम है एमआर कुमार और यहां पर आपका और यहां पर आपका एमडी इसके हैं सिद्धार्थ मोहंती विपिन आनंद मुकेश कुमार गुप्ता एंड दी राजकुमार ये कुछ इसके यहाँ पर एमडी चेयरपर्सन हेडक्वार्टर एंड दी एस्टेब्लिशमेंट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है ओके सो यहां पर हुआ आपका ठीक है आगे चलते हैं हम स्ट्रेटेजिक डिसमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन IDBI एक चीज बता दो बीच में सॉरी मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा मुझे लग रहा है कि आप लोग स्टडी नीति क्रैकर सीरीज के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो उनको बता दू जिनकी क्रैकर सीरीज स्टार्ट कर दी गई है हो चुकी है आई थिंक हिंदी का कंटेंट अपलोड नहीं हुआ है अभी तक मैं वो एग्री करता हूं हिंदी का कंटेंट हो सकता है अपलोड नहीं हो बाकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने खुद पर्सनली चेक किया है बट अगर किसी के प्रॉब्लम आ रही है तो ऐप को अपडेट कीजिए आपने ऐप आप को अपडेट नहीं किया होगा वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल है हिंदी के कंटेंट के अलावा हो सकता है अभी बात करते करते हिंदी का कंटेंट अपलोड हो जाए सो तो आज वो फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे कुछ ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा आ गया क्योंकि फ्री मॉक भी दिए तो उस वजह से शायद सर्वर फेलियर बीच में हुआ था क्योंकि टीम काम कर रही थी उस पर

कोई बात नहीं आपका ऐप का अपडेट आएगा अगर आपका ऐप का अपडेट नहीं दिख रहा ऐप का अपडेट आएगा और ऐप का अपडेट आते ही आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी आप वेबसाइट पर एक बार ट्राई कर लीजिए वहां पर दे लीजिए ऐप कर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी ऐप का अपडेशन आ जाएगा हो जाएगी वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट वेबसाइट पर दे लीजिए वेबसाइट पर सब कुछ ओके चल रहा है बढ़िया चल रहा है

कुछ टाइम पहले आपको याद होगा आईडीबीआई बैंक ने आईडीबीआई बैंक ने यहां पर आपका आ, ओके यहां पर ईडीबीआई बैंक ने यहां पर आपका रिसेंटली को एक्वायर किया था उसके स्टेक को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली 45.48 स्टेक इन एंड का हिस्सा जो कि है ही रह चुका है इन 2019 सी ने इसमें ट्वेंटी फोर करोड़ रूपीज यहां पर इन्फ्यूज किए थे इट इज द करंट प्रोमोटर ऑफ द आई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द को प्रमोटर ठीक है तो यहां पर यूनियन बजट में यहां पर हाल ही में

तो यहां पर उसी चीज की मंजूरी यूनियन कैबिनेट के द्वारा दी गई है एग्जाम से जो क्वेश्चन आएगा वो शेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं कितने अमाउंट शेयर्स उन्होंने खरीदे थे एंड ऑल ये सब चीजें ऑलरेडी खैर आपको काफी लोग जो रेगुलर फॉलो करते हैं करंट अफेयर उनको मालूम होगी जिनको नहीं मालूम वो इस स्लाइड पर आपकी एक एक चीज लिखी हुई है ओके सो यहां पर आपका

ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट दैट इज द डीप एम डीप एम इस सारी की सारी चीजों को देखता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत यहां पर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत यहां पर काम करता है यह आपका नीति आयोग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवेस्टमेंट इन इंडिया ओके सो दिस इज द डीप एम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नेक्स्ट न्यूज हमारी से आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेकंड दी जी दी वन पॉइंट ओ सो यहाँ पर आपका जी सेक एक्विजिशन प्रोग्राम एक प्रोग्राम ऑलरेडी 20 मई को यहां पर आपका किया जाएगा यहां पर नया प्रोग्राम दैट इज वर्जन दैट इज जी प्रोग्राम एक्विजिशन प्रोग्राम 1.0 अब आप सोचोगे कई एक कमेंट भी पड़ा मैं हमेशा जैसे आरबीए का फ्रेमवर्क आया तो मैंने बोला 2.0 1.0 आप लोग काफी उसमें से एक बच्चे कमेंट आया सर सॉरी टू से बट दिस इज वन पॉइंट ओ नहीं है मुझे भी पता है लेकिन अब जब बैंक में आ जाओगे ना तब हम इसको 1.0 ही बोलेंगे काफी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में अलग होती है थ्योरिटिकल लाइफ में अलग होती है प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको 1.0 बोलते हैं थ्योरिटिकल लाइफ में आप इसको 1.0 बोलते हैं ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा हैरान मत हुआ कीजिए काफी चीजें जो प्रैक्टिकल लाइफ में होती है मैं वो चीजें बोलता हूं तो दिस इज मेरे लिए आज भी ये वन है आपके लिए हो सकता है वन पॉइंट हो ठीक है तो यहां पर आरबीएस टू परचेज आरबीए ने ऑलरेडी एक फर्स्ट परचेज किया था आखिरकार ये जी सैक जो है जी सैक सिंपल कुछ नहीं है जी सैक का मतलब होता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज को खरीदना खरीद के अपने पास रखता है तो ऑब्वियस कोई चीज हम खरीदते हैं तो तो उसके बदले में पैसा देते हैं पैसा जाएगा पैसा कहां जाएगा पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज खरीदी जाएंगी गवर्नमेंट को पैसे की नीड है गवर्नमेंट आगे आप लोगों के लिए इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट आगे लिए आपके लिए पैसा देगी सो दैट इज दी सो सिंपल सी भाषा में इसका मतलब यही है कि इन्फ्यूजन ऑफ द फंड इन द इकोनॉमी फंडिंग देना आपका इन्फ्यूजन फंड्स को इन्फ्यूज करना फंड्स को यहां पर इकोनॉमी में डालना दैट इज दी जी सेक का एक मेन पर्पस है सो जी सेक एक्विजिशन प्रोग्राम ये ऑलरेडी लास्ट मंथ किया जा चुका था जिसके तहत आरबीआई ने यहां पर परचेज भी की थी यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और उसी का यहां पर सेकंड वर्जन यहां पर लेके आया जा रहा है जो कि 20 मई को होगा जिसमें पैंतीस हजार करोड़ की अमाउंट की यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा जाएगा और फर्स्ट जो खरीदी थी वो पच्चीस हजार करोड़ की यहां पर खरीदी थी आरबी की बात करो तो 1949 में नेशनलाइज हुआ था एंड 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था ओके चलिए आगे चलते हैं हम डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में चेंज हुए हैं और ये कुछ रीसेंट न्यूज जो हमने हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ी है ये लिस्ट हमारी लंबी होती जा रही है और आगे भी हमारी ये लिस्ट और लंबी होती जाएगी तो बने रहिएगा जुड़े रहिएगा हमारी मुझे लगता है जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक ये लिस्ट शायद दो तीन पेज की हो चुकी होगी और आपकी रिविजन में बहुत ईजी हो जाएगा आपको नेक्स्ट चलते हैं विकलांगता प्रमाण पत्र एवं आईडी कार्ड के लिए आवेदन की पूरी प्रोसेस सो यूडीआईडी प्रोजेक्ट यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड ये आपका यूनिक डिसेबिलिटी फॉर द दर्सन विद डिसेबिलिटी प्रोजेक्ट यहां पर एक शुरू किया गया है इस प्रोजेक्ट का मेन एम है टू प्रोवाइड अ यूनिवर्सल आईडी एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर विद डिसेबिलिटीज डिसेबल जो पर्सन है उनको यहां पर एक यूनिवर्सल आईडी प्रोवाइड कराना एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना ताकि कहीं भी अगर किसी भी वक्त उनको ऐसी कोई जरूरत पड़ती है यहां पर तो वो उस कार्ड को शो कर सके उस कार्ड को वो दिखा सके ताकि उनको कहीं भी किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम ना आए यहां पर ये यह आपका होता है ये एंड यू डी प्रोजेक्ट इज अंडर इंप्लीमेंटेशन सिंस 2016 2016 से यहां पर ये अंडर इंप्लीमेंटेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटीज रिसेंटली मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज टू इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ डिसबिलिटी ओनली यूजिंग दू डी आई This is to come into force from June 1 2021 ये एक नेशनल डाटा बेस क्रिएट किया जाएगा फॉर दीज काम्स टूर दू डी आई डी दैट इज यूनिक डिसबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड फॉर ऑल दीज पर्सन सभी को यहां पर एक यूडी आई डी दिया जाएगा और ये डिसेबिलिटीज कौन कौन सी हैं? ये डिसेबिलिटीज यहां पर आपके सामने लिखी हुई हैं. दीज आर बेस्ड ऑन दिसबिलिटीज एक्ट 1995 इन डिसेबिलिटीज को यहां पर इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है ओके okay, चल नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ यूडीआईडी को क्रिएट करने के लिए फॉलोइंग फॉलोइंग डिटेल्स डिटेल्स यहां यहां पर कुछ यहां पर कुछ बनाई है एंड दीज आर अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो कि इस प्रोजेक्ट में पूरा पूरा इन्वॉल्व है इसी मिनिस्ट्री के थ्रू ये आपका पूरा प्रोजे, प्रोजेक्ट यहां पर वर्क करेगा उसके यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नाम यहां पर लिखे हुए हैं नेक्स्ट न्यूज आई है 2021 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस ये एक आपका ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस आई है इस रिपोर्ट को कहते हैं ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ये रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस रिसेंटली इन्होंने रिलीज की है 2021 ट्वेंटी वन ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ओके, ये रिपोर्ट आपकी रिलीज की गई है इस रिपोर्ट में यहां पर जिस इसने रिलीज किया है उस पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा फॉर्म किया गया है यूनाइटेड नेशन एंड अदर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी के द्वारा बेसिकली यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड नेशन इसकी फॉर्मेशन में यहां पर आपका शामिल है राइट okay. ओके ओके द रिपोर्ट सेज दैट इकोनॉमिक क्राइसिस द मेजर रीजन टू पुश 40 मिलियन थोड़ी डाटा वाली न्यूज है थोड़ी सी ध्यान से सुनो थोड़ी सी ध्यान से समझो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है फिलहाल क्योंकि मैं कोई किसी का भी कमेंट यहां पर नहीं पढ़ रहा हूं और ना ही कोई मैं उसका रिप्लाई करूंगा फिलहाल हम पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई कीजिए अगर आपको हमसे कोई डाउट है तो मैं पूरा का पूरा आपके डाउट्स सारे के सारे जब अन अकेडमी में मैं क्लास लेता हूं तो सबको मालूम है उस दौरान मैं सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर कर देता हूं इस क्लास में पूर्णतया फोकस बनाकर पूरीतया एकाग्रता बनाकर कर, बना कर यहाँ पर रखी जाए ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट कोई भी एक क्वेश्चन ना रह जाए गलती से भी जो मैं अपने मुख वाणी से बोलूंगा और जो आपके जो आ, क्या कहते हैं इसको दिमाग को है ना दिमाग में ना जाए ऐसा ना हो जाए कहीं गलती से आप कुछ मिस ना कर दो कुछ चूक ना जाए कुछ छूट ना जाए तो इसलिए आपसे गुजारिश यही है कि अपना ध्यान इधर रखिए कमेंट सेक्शन में ना रखिए ठीक है मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूं जो टीचर्स कमेंट सेक्शन बोलते देते हैं कि हर एक चीज पर हर एक न्यूज में बोलते हैं कि हाँ अप करो थम्स अप करो ओके ओके लिखो यस यस लिखो ये लिखो वो लिखो ताकि जितने ज़्यादा कमेंट्स चैट में आएंगे जितना ज़्यादा लाइक उसमें आएंगे जितने ज़्यादा कमेंट्स नीचे आएंगे उतना ज़्यादा उनकी उम्मीद है कि उनकी वीडियो ट्रेंडिंग में जाएंगी मैं उनमें से नहीं हूं ठीक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन को तो मैं पता नहीं मैं शायद ऑफ ही कर दूंगा एक ना एक दिन दो और मुझे लगा कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में दिखाऊंगा नहीं कमेंट्स ही नहीं कर पाओगे ऐसा होना चाहिए तो बस आपके वो आ, लोगों ने एक जरिया बनाया हुआ है लोगों को अट्रैक्ट करने का लिखो 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 थम्स अप करो थम्स अप करो थम्जप ताकि एकदम से कमेंट सेक्शन में इतनी ज्यादा भीड़ आए और यहाँ पर यूट्यूब उनके वीडियो को खींचे और वो ट्रेंडिंग में जाए मेन मकसद वो होता है और आपको जस्ट उसको डाइवर्ट करने का मकसद होता है तो प्लीज फोकस ऑन द न्यूज जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी कोई फायदा नहीं होता चाहे आप बीस बार लिखो चाहे पच्चीस बार लिखो चाहे उस कमेंट को पचास बार लिखो पढ़ा रहे हैं पढ़ो ठीक है जहां पर पूछे जाते हैं डाउट जहां पर मैं कहता हूं डाउट पूछो वहां पर पूछो वहां, वहां पर आपको रिप्लाई मिलेगा वहां पर ना मिले फिर बताना द रिपोर्ट सीज दैट इकोनॉमिक क्राइसिस वॉर दर रीजन टू पुश फोर्टी मिलियन पीपल टूवर्ड्स हंगर इन ट्वेंटी ट्वेंटी ओके okay, सो so यहां पर आपका 2020 में यहां पर आपका 40 मिलियन पीपल टुवर्ड्स हंगर 40 मिलियन लोग यहां पर भूखमरी में चले गए थे 2020 में खाने के लिए कुछ नहीं था इट इंक्रीज 2019 2019 के कंपैरिजन में यहां पर 24 मिलियन तक इंक्रीज हुआ था अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मोर देन 155 मिलियन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 2020 दिस हैज इंक्रीज बाय 20 मिलियन

वेस्टेड एंड अफ्रीका इज द मोस्ट अफेक्टेड कॉन्टिनेंट ड्यू टू फूड शॉर्टेजेस ओके सो ये एक बार न्यूज को फटाफट से पढ़ लो मैं इतनी देर पानी पी लू और फिर कंटिन्यू करते हैं चलो उम्मीद करता हूं ये डाटा पढ़ लिया होगा आगे चलते हैं कुछ साइट्स को चुना गया है आपका मेडिकल ऑक्सीजन काफी जगह पर आपकी शॉर्टेज आ रही है सभी को मालूम है यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी अनाउंस द इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेशर स्विंग एब्सॉर्बेशन मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स बहुत सारी जगह पर किया है बहुत सारी साइट्स को चुना गया है नेशनल हाईवेटी ऑफ दी मेडिकल प्लांट सो दिस इज द मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट कितनी साइट्स पर फाइव एट्टी वन साइट्स पर यहां पर लगाए जाएंगे और इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यहां पर उसका एक बनाया गया है दर्जा दिया गया है नोडल एजेंसी की फॉर्म में काम करने का next up first electric first ever electric tractor has been tested at the central farm machinery training and testing institute बुधनी मध्य प्रदेश में दिस न्यू इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विल बी मोर एनवायरमेंट ऑफ ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर यहां पर बनाया गया है टेस्ट किया गया है पर किया गया है इसकी टेस्टिंग की गई है ये आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है एंड दिस इंस्टीट्यूट विल वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है

ठीक है बट ध्यान रखना ये कुछ भी उनमें से नहीं रहेगा राइट right आंसर रहेगा ट्रैक्टर किस लिए यूज किए जाते हैं ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं खेती के लिए और खेती बाड़ी मंत्रालय जो हमारा है यानी कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है हमारी वही इसका सही उत्तर रहेगा राइट आंसर विल बी दी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ध्यान रखना आ सकता है एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा दिस इंस्टीट्यूट हैज सर्टिफिकेट ऑफ फॉर टेस्ट लेबोरेटरी ऑन है इक्कीस Conformity Assessment Body is a body that includes testing, including medical laboratory. ये कुछ आपकी आ, टेस्टिंग बॉडी के बारे में लिखा हुआ है एन ए बी के बारे में लिखा हुआ है कि इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पर सर्टिफिकेशन मिला था हाल ही में और उसने यहाँ पर अभी उसकी टेस्टिंग भी की है जो कि बुधनी मध्य प्रदेश में आपकी इसकी टेस्टिंग हुई है इसको अभी हाल ही में एक एक्रेडिशन भी मिल चुका है टेस्टिंग एक्सटिंग करने का राइट right, ओके okay. नेक्स्ट चलते हैं जंगल क्राई। जंगल क्राई एक बेस्ट फिल्म ज्यूरी अवार्ड जंगल क्राई डायरेक्टेड बाय द सागर बल्लारी इसको मिला बेस्ट फिल्म ज्यूरी अवार्ड एट द ग्यार दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल जो कि आयोजित किया गया उसमें जंगल क्राई मूवी को यहां पर दिया गया गया है आपका ये बेस्ट मूवी का प्राइज बेस्ट फिल्म ज्यूरी के कैटेगरी में इसको दिया गया है जंगल इज अ फिल्म बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ बारह ऐसे अंडर प्रिविलेज ट्राइबल चिल्ड्रन है जो कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ओडिशा जे जिन्होंने वर्ल्ड रग्बी चैंपियनशिप जीती जो कि यूनाइटेड किंगडम में 2007 में हुई थी ये एक रियल स्टोरी है रियल एक इवेंट है जो कि आपका हुआ था रियल लाइफ पर आधारित है रियल जिंदगी पर आधारित है फिल्म को डायरेक्ट किया है सागर बल्लारी ने एंड जिसमें आपके एमिली शाह अतुल कुमार स्टेवर राइट एंड जूलियन लोइस जॉन्स भी हैं एंड दादा साहब फिल्म फेस्टिवल ये एक लोता इंडिया का इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल है जो कि दो में स्टार्ट किया गया था यहाँ पर यह एंड ये आपका जंगल क्राई बेस्ट फिल्म जूरी अवार्ड 11वां दादा साहेब फालके फिल्म फेस्टिवल में दिया गया ममता बनर्जी ने यहां पर तीसरी बार लगातार यहां पर चुनाव जीती तीसरी बार लगातार यहां पर चुनाव जीती हैं 2011 से लेकर अब तक फिर से यहां पर एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर की भूमिका में नजर आएंगी यहां पर ममता बनर्जी अब ममता बनर्जी की जो इस टाइम पे एक सिचुएशन आई है वो सिचुएशन काफी चर्चा में है वो सिचुएशन यहां पर लिखी हुई है इस न्यूज में कोई इतनी खास बात नहीं थी क्योंकि सबको मालूम है इतनी नॉलेज आप सभी रखते हो कि कौन किसका चीफ मिनिस्टर चुना गया है तमिलनाडु में कौन चुने गए हैं और मोर ओवर इसको हम खबर के रूप में इसलिए भी नहीं दे सकते क्योंकि आने वाले टाइम में आपका कुछ ना कुछ स्टैटिक अवेयरनेस आ जाती है और स्ट्रैटिक में हम बार बार रिविजन करते ही रहते हैं चीफ मिनिस्टर एंड दी गवर्नर का बट इस ममता बनर्जी की जीत में एक थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसा आया जो कि ट्विस्ट नहीं कूंगा अमूमन बहुत बार देखने को मिलता है जिस से से आपकी खड़ी हुई थी चुनाव में उस हार गई जो कि नंदीग्राम था अब एक सोचने वाली यह बात है कि चीफ मिनिस्टर यहां पर कैसे बनी अगर वो एमएलए ही नहीं चुनी गई है तो चीफ मिनिस्टर वो कैसे बनी क्योंकि जो भी चीफ मिनिस्टर होता है वो एमएलए जितने भी चुने जाते हैं उनका नेता होता है उनका लीडर होता है उसी लीडर को यहां पर हम चीफ मिनिस्टर बनाते हैं बट यहां पर एक ट्विस्ट ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारा जो भारतीय संविधान कहता है उसके आर्टिकल एक यानी कि वन सिक्सटी फोर में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन अगर चुनाव नहीं जीतता है और अगर वो यहां पर चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है बशर्ते उसको दोबारा से आपका चुनाव जीतना पड़ेगा एमएलए बनना पड़ेगा विद इन सिक्स मंथ्स छ महीने के अंदर अंदर अब छे महीने के अंदर अंदर कैसे होगा छः महीने के अंदर अंदर ममता बनर्जी वापस से कैसे चुनाव लड़ेंगी तो ऐसा होगा कि कोई ना कोई एमएलए उनका जो है वो आपका अपनी सीट से रिजाइन कर देगा तो वो एमएलए की सीट खाली हो जाएगी उस पर दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे जिन इलेक्शंस को हम बाईपोल इलेक्शन कहते हैं जब भी इलेक्शंस इन बिटवीन हो जाते हैं ना वैसे तो इलेक्शन पाँच साल बाद होते हैं लेकिन कोई भी ऐसे सर्कमस्टांस के केस में लाइक द रिजाइन हो गया या फिर किसी विधायक का निधन हो गया कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उन इलेक्शन को हम बीच में कंडक्ट कराते हैं तो उसको हम बायपोल इलेक्शन कहते हैं तो जो बायपोल इलेक्शन आपके होते हैं वो यहां पर कंडक्ट कराए जाएंगे विद इन सिक्स मंथ और उसमें ममता बनर्जी खड़ी होगी तो ऑब्वियस है ऐसा कभी अकॉर्डिंग टू मुझे तो पता नहीं है ऐसा हुआ हो कि चीफ मिनिस्टर खड़ा हो रहा है जो ऑलरेडी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है किसी भी सीट से

ना ही केवल यहाँ पर हमने एमएलए वाले चुनावों में होते हैं एमपी के चुनाव यानी कि प्राइम मिनिस्टर के चुनावों में ऐसी चीज होती है प्राइम मिनिस्टर के चुनावों में ये चीज होती है और बहुत बार देखने को मिली है हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर एम ना होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं ठीक है और उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कौन बने हैं पिछले वाले थे ठीक है चलो Facebook ने लॉन्या फेसबुक in so, ने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाइप किया है और उन्होंने लॉन्च किया वैक्सीन फाइंडर टूल ऑन मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि वैक्सीन आप फाइंड कर सकते हैं सत्रह लैंग्वेज में अवेलेबल है

फेसबुक है टेन मिलियन यूएस डॉलर ग्रांड टू इंडिया को यहां पर देने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज दैक्सन फाइंडर टूल ऑन दी मोबाइल एप्लीकेशन फेसबुक के ही आपको यहां पर मिल जाएगा फेसबुक में एक टूल मिल जाएगा जो आप ओपन करोगे दैट इज दैक्सिन फाइंडर टूल ओके वैक्सीन फाइंडर टूल Se chale? लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम कॉल्ड द यूरेनियम 214 क्रिएटेड सो साइटिस्ट ने आपका नया यूरेनियम आइसोटॉप क्रिएट किया है

आईसीसी मैंस टीम रैंकिंग 2021 ट्वेंटी अपडेट आया है जिसमें यहां पर इंडिया दूसरे स्थान पर रहा इंग्लैंड के पीछे अगर मैं बात करूं टी ट्वेंटी की सो टी ट्वेंटी में इंग्लैंड टॉप पे रहा इंडिया दूसरे पर रहा और अगर मैं वनडे की बात करूं तो इंडिया यहां पर तीसरे स्थान पर पहुंचा और न्यूजीलैंड एंड दी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट एंड सेकंड रैंक पर है और यहां पर अभी फिलहाल टेस्ट रैंकिंग नहीं जारी की गई है जो कि बाद में होगी पाकिस्तान जिम्बावे की सीरीज के बाद फिलहाल टेस्ट रैंकिंग अगर मैं बात करूँ तो इंडिया यहाँ पर टॉप पे चल रहा है उसके बाद न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया और आप सभी को मालूम होगा जो आई की टेस्ट सीरीज है वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में ही फाइनल होना ठीक है पांच कंट्रीज हंगरी सीरी एंड स्वीडन जो है वो यहां पर उन्होंने अपनी रैंकिंग को लूज किया ये रैंकिंग आपकी उनकी गिर गई बिल्कुल खत्म हो गई उनकी रैंकिंग है ही नहीं सो दिस इज़ अबाउट द आईसीसी टीम्स रैंकिंग 2021 एनुअल अपडेट ओके चलो ये रैंकिंग वैंकिंग देख लेना याद कर लेना ठीक है रेटिंग वेटिंग दे रखी है एनुअल रैंकिंग है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है नीचे आई सी सी के बारे में लिखा हुआ है ये रिसेंट इवेंट्स जो आईसीसी रिलेटेड हमने अभी अभी बहुत सारे क्रिकेटर्स को उन्होंने बैन किया है ठीक है सो वो बैनिंग बैंगनिंग के सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं अवार्ड्स भी आए थे रिसेंटली नेक्स्ट हम चलते हैं पद्म भूषण रेवनेंड डॉक्टर फिलिपोस मैर क्रिस्टोस्टोम मैरथोमा वैलिया मेट्रोपोलिटन वेल नोन रिलीजियस लीडर एंड इंडिया बिशप ओके सो दिस इंपॉर्टेंट वन इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग बिशप इनका हाल ही में निधन हो गया इनकी उम्र थी 103 साल 103 जीरो ईयर्स केरला में रहने वाले थे ये इनका हाल ही में निधन हो गया और अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर एक रिलेटेड एक न्यूज भी आई थी करंट अफेयर्स आई थी अगर लास्ट ईयर आपको याद है करंट अवेयर्स तो वो ये थी ये वाली थी मुझे तो याद है आपको याद है या नहीं है मुझे नहीं पता लास्ट ईयर इन्हीं की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी दैट इज हंड्रेड इयर्स ऑफ दी मार मैर uh, क्रिस्टोस्टोमेनाउंसिएशन के लिए अगर मैंने कुछ गलत किया तो सॉरी फॉर दैट ओके ऑन लाइफ एंड विज़न ऑफ़ इनकी जिंदगी के ऊपर आपकी यहां पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई बनाई थी इनको पद्म भूषण दो हजार अट्ठारह में मिल चुका है सीरमपोर यूनिवर्सिटी ने इनको डॉक्टरेट डिग्री से भी सम्मानित किया है डेयर एज दी बिशप ओके सो इस डॉक्यूमेंट्री uh, में ये लोग भी यहाँ पर मौजूद थे सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन ज्यादा करंट अवेयर्स मैंने नहीं करवाई है कुछ मैंने कल के लिए छोड़ी है कल आपकी क्लास होगी टाइमिंग मैं कल इन्फॉर्म कर दूंगा दोपहर या शाम को होगा मोस्ट प्रोबेबली आपका ठीक है बता दूंगा उसमें एंड uh, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा ठीक है और अच्छा लगा होगा ठीक है तो आज आपको सेशन को क्या करना है <laughs> लाइक करना है शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में भर के कमेंट करने हैं है ताकि वीडियो ट्रेंडिंग में जाए <laughs> क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है कमेंट्स करना है ताकि मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में जाए ठीक है मतलब से ये बोलते हैं मेरे सेशन को लाइक कीजिएगा मेरे सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कीजिएगा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये चैनल कैसा लगा आपको ये वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लीजिएगा बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको सारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे फिर मन में सोचता है इसी वजह से अगर ये सब आप करेंगे तभी तो मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी ये मन में होती है बात आगे मुंह पर नहीं लाई जाती ऑब्वियस ठीक है, है हम मेहनत करते हैं हमें अरे एक आशा होती है हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में जाए नो डाउट होनी भी चाहिए बिकॉज हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं एज अ यूट्यूबर फैमिली एज अ यूट्यूबर कम्युनिटी यही हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उसके बदले हमें दीजिए कुछ ना कुछ दिन दी फॉर्म लाइक एंड शेयर ठीक है वो आपके इस चॉइस है आप देंगे या नहीं देंगे ठीक है आ, और एक्सपेक्टेशन करनी भी चाहिए ठीक है सो आई होप मेरी वॉइस अब तक सही होगी क्या ते ते कुछ ना कुछ बिल्कुल अब सही होगी राइट ओके okay, सो so, अब तक आपने बहुत कुछ देखा है बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ जाना है ठीक है आ, डिम्पी जी मेल कर दीजिए स्टडी नीति गाइड एट जी मेल डॉट कॉम पर स्टडी नीति गाइड एट जी मेल डॉट कॉम पर मेल कर दीजिएगा आपको डेफिनेटली डेफिनेटली आपका हो जाएगा अगर आपने मेल नहीं किया है तो कीजिएगा अगर आपने मेल किया है और आपका रिप्लाई नहीं मिला और ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने देखा है सभी के रिप्लाई जा चुके हैं पर्सनली मैंने आज देखी है मेल्स और अगर आपको नहीं मिला तो अपने स्पैम फोल्डर या फिर अपने कहां पर प्रमोशन फोल्डर में आप जरूर देखिएगा ठीक है ओके काफी दिनों से एक चीज ये ठीक है बैकग्राउंड किसी को भी कोई भी टेक्निकल इश्यू है वो स्टडी नीति गाइड एट जी मेल डॉट कॉम पर प्लीज़ मेल कर दीजिए आपसे यही रिक्वेस्ट है और ऐप को अपडेट कर लीजिए अगर ऐप आप अपडेट आपको नहीं दिखा रहा है तो थोड़ी देर में घंटे दो घंटे में आपको दिखाने लग जाएगा अपडेट कर लीजिएगा आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे ठीक है अगर स्टिल किसी ने नहीं खरीदा तो खरीद लीजिएगा जो ऑफर एस बी क्रैकर सीरीज पर वो अभी भी चल रहा है जो कि मैं रात के नौ बजे से बंद करूँगा जिसके ऊपर मैं लाइव एक सेशन लूँगा जिसमें आपको बताऊँगा उन ट्वेंटी लक्की विनर्स के नाम हो सकता है आज की डेट में आपने एनुअल टेस्ट खरीदा हो तो आज की डेट में अगर आपने खरीदा तब भी हो सकता है कि वो आपको एक्सटेंशन एक साल का मिल जाए जो मैं बीस जनों को देखने वाला हूँ ठीक है तो अभी भी खरीदोगे तो अभी भी आपका नाम उस लिस्ट में आ सकता है खरीदना है तो खरीद लीजिएगा चलिए अब बात करते हैं कि काफ़ी लोग आ, पूछ रहे थे काफ़ी लोग जानना चाहते थे काफ़ी लोग तो नहीं कहूंगा एक पर्सन था आई हैव नो आइडिया नाम मुझे याद नहीं आ रहा पर्सन काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहा था कि सर अपनी यूपीएससी की जर्नी के बारे में बताइए यूपीएससी की जर्नी के बारे में बताइए और काफ़ी लोग ऑलरेडी मैं खैर शेयर कर चुका हूँ जो पुराने मेरे मैं चावल ही बोलता हूँ अपने पुराने स्टूडेंट को जो पुराने चावल है मेरे उनको शायद पता होगा इसके बारे में काफ़ी कुछ बट जो नए स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ क्या रहा मेरी जर्नी और कैसे मैंने आज आपने एक्सपिरंट्स भी देखी होगी तो एक्चुअल में क्या हुआ एक्सपीरियंट्स जब चल रही थी तो उसमें एक जब अभिलाष था उसका क्रैक नहीं हुआ था प्रिलिम्स एग्ज़ाम और वो मायूस हो रहा था और उधर से जर्नी में एक ऐसा चीज़ आ रही थी कि वो वापस जा रहा था और दूसरी तरफ ये सोचा जा रहा था लाइक मेरी मैम ये सोच रही थी यार ये इसका क्रैक uh, नहीं हुआ और दूसरी तरफ ये दिखा रहे हैं कलेक्टर बन गया और हाउ इट इज पॉसिबल वो कह रहा है कि मेरे अटैम्प्ट खत्म हो गए सब कुछ लास्ट अटैम्प्ट था तो हाउ इट इज पॉसिबल कि ये कलेक्टर बन गया उसी वक्त मैंने उसको बोला मैंने वाइफ को अपनी कि यार पता क्या हुआ होगा ये ना स्टोरी ना उस टाइम की है जब एक समय आया था जब चार के चार अटैम्प्ट होते थे यूपीएससी एस्पिरेंट के बाद वो अटैम्प्ट छ हो गए थे मैंने कहा ये पक्का ना स्टोरी उस टाइम की है अब क्या होगा थोड़ी देर में देखना कि ये खबर आएगी जिसमें ये अपनी प्रिपरेशन छोड़ चुका होगा और चार इसको न्यूज़ मिलेगी कि चार के छह अटैम्प्ट हो चुके और ये वापस आएगा और अपनी पढ़ाई करेगा और ये एक सिविल सर्वेंट क्रैक कर लेगा ठीक है तो वही लास्ट में बात हुई कि वही चीज़ हुई और ये चीज़ को मैंने अपने आप से रिलेट किया क्योंकि रीज़न यही था वही 2014 की बात है जब ये अटैम्प्ट की न्यूज़ आई थी कि चार से छ अटैम्प्ट कर दिए गए हैं तो यही न्यूज़ सुन के मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को उस टाइम इसी नु... मैं क्योंकि न्यूज़ आती है कई बार ना हमें पता नहीं होता कि क्या करना क्या नहीं करना लेकिन एक जब न्यूज़ आती है ना तो हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसको अच्छा ऐसा क्या हो गया मतलब चार के छ कर दिया अच्छा ठीक है अच्छा चलो यूपीएससी की ट्राई करते हैं सिविल सर्विस देख देखते हैं Uh, जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको बता दूं सन 2011 से मैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हूँ बैंक में जॉब कर रहा हूँ और फिर लेटर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि आगे अपनी लाइफ को आगे अपना बढ़ाया जाए कुछ और करने की सोची एंड देन आई थॉट टू गिव अटेम्प्ट फॉर द यू पी एस सी के लिए मैंने अटैम्प्ट करना सोचा ठीक है आपसे रिक्वेस्ट यही है कमेंट्स एक बार मत कीजिएगा कुछ भी ठीक है लिसन टू मी केयरफुली बहुत ही मज़ा आएगा आपको सुनकर और बहुत ही एक सुकून सा मिलेगा डेफिनेटली ध्यान से सुने कमेंट्स ऑफ कर देगा प्लीज ठीक है कोई भी कमेंट कोई भी इमोजी, कोई भी कमेंट नॉट ए सिंगल कमेंट आई वांट। कीप एंड लिसन टू दिस सो आई थॉट टू स्टार्ट दिस माय जर्नी यूपीएससी। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज़ अबाउट द यूपीएससी क्या होता है यूपीएससी सिविल सर्विस क्या होता है एग्जाम क्या होता है लिटरली आई हैव नो आइडिया एंड अलॉन्ग विट मतलब मैं बैंक में जॉब भी कर रहा था तो मैं एक ऐसे सिटी से हूँ जहाँ पर सोर्सेज बहुत हैं मतलब सोर्सेज बहुत तो नहीं कहूँगा सोर्सेज ज़्यादा नहीं है सफिशेंट नहीं है यू पी सिविल सर्विस से रिलेटेड आज की डेट में भी नहीं है उस टाइम ऑनलाइन कुछ नहीं होता था सारी दुनिया ऑफलाइन की तरफ भागती थी तो सेम मेरे साथ भी केस था आई थोट कि यार कैसे होगा आई आस्क फ्रॉम एनी ऑफ दी पर्सन काफी कुछ इधर उधर घूमा इधर उधर भटका इधर उधर पूछा बट फाइनली आई गॉट कि गंगानगर में ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है मैंने सिटी का नाम लिया अपनी तो वो कुछ भी नहीं है तो आई थॉट कि हाँ चलो जाया जाए स्विच किया जाए दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली गया वहाँ पर राजेंद्र नगर की गलियों में भी गया जी नगर भी गया मुखर्जी नगर भी गया बहुत सारे तीन चार दिन वहाँ लगा कर आया दो तीन दिन वहाँ लगा कर आया और काफी इंस्टीट्यूट से मुलाकात की सब कुछ देखा सब कुछ सीखा कि आखिर कौन सा इंस्टीट्यूट है अब मेरे साथ समस्या ये थी कि मैं बैंक में जॉब कर रहा था और अलोंग विद डेट हाउ कैन आई टेक द कोचिंग मतलब कि मुझे या तो ट्रांसफर लेना पड़ेगा वहां पर और मैं इवनिंग क्लासेज ज्वाइन करूँ या फिर कोई ऐसी वीकेंड क्लासेज ज्वाइन करूँ देन आई आस्क फ्रॉम माई पेरेंट्स पेरेंट्स से पूछा तो पेरेंट्स ने कहा कि इट इज़ रियली डिफिकल्ट कि कैसे करोगे तुम मम्मा ने मना कर दिया मम्मा ने कहा कि नहीं पॉसिबल नहीं है बेटे क्या करेगा करके ममा वैसे ही थोड़ा सा मेरे साथ वो अटैच ज़्यादा है तो मुझे कहीं दूर ज़्यादा भेजना नहीं चाहती एंड uh, तो पापा कहते थे हमेशा कि हाँ यार कोई बात नहीं गो हैड चलो आगे चलो बढ़ो तुम आगे बट हाउ कैसे किया जा सकता है देन आई थी वीकेंड बैच ज्वाइन करते हैं वीकेंड बैच कैसे ज्वाइन करें दिल्ली में दिल्ली में नाम है एक वाजीराम इंस्टीट्यूट का काफ़ी फेमस काफ़ी अच्छा काफ़ी तगड़ा नाम है मैंने उसी को चॉइस च्वा, में माना फर्स्ट प्रेफरेंस माना कि हाँ यार वाजीराम को ज्वाइन किया जाए बट वाजीराम का ये सिचुएशन था उसके वीकेंड बैच नहीं था ही वाज इट वाज हैविंग अ डेली बैच बैच डेली डेली होता था उसका क्लासेस होती थी बट वीकेंड बैच नहीं था देन सेकंड प्रेफरेंस वाज माई द खान स्टडी ग्रुप दैट वाज द के ओके रमन भाई डॉक्टर खान जीटीबी नगर में है आपका ठीक है मेन रोड पे है उस टाइम जो था मेन रोड पे मैं वहाँ पर पढ़ता था तो आई डिसाइडेड टू जॉइन द वीकेंड बैच अब सिचुएशन ऐसी थी कि मेरा जो सिटी है वो दिल्ली से नाइन आवर्स की जर्नी है इट्स फोर हंड्रेड प्लस किलोमीटर्स और uh, रात को दस साढ़े दस बजे यहाँ से ट्रेन चलती है दस पचास पे उस टाइम थोड़ी जल्दी चलती थी तो वो सुबह वहाँ पर पहुँचती है सात साढ़े सात आठ बजे के बीच में पहुँचती है और बसेस भी चलती हैं, नौ बजे चलती हैं, दस बजे चलती हैं, सुबह 5-6 बजे पहुंचती हैं। अब थी दिल में जुनून था कि करना है और यह भी होता है कि काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं सोचते हैं कि सर सेल्फ स्टडी से हो जाती है यूपीएससी नो डाउट एक आप में से ही एक कैंडिडेट है जो आज की डेट में आरबी असिस्टेंट है मैं नाम नहीं लूंगा उन्होंने काफी दिन से मुझे मैसेज करे थे सर मैंने आरबी असिस्टेंट सेलेक्ट हो गया हूं अब मुझे यूपीएससी करनी है तो मुझे गाइड कीजिए तो जस्ट दो दिन पहले उससे मैंने बात की थी फोन पर उसने काफी डिटेल में उससे बात हुई थी मुझसे पूछ रहा था तो मैंने उसको भी यही बात की और आपको भी वही बात करता हूँ कि यूपीएससी की जर्नी एट्टी परसेंट सेल्फ स्टडी ही है एट्टी परसेंट इट्स ऑल अबाउट दिस सेल्फ स्टडी बट यहाँ पर बट यहाँ पर क्या होता है यहां पर जो दो परसेंट है ना यहां पर जो केवल दो परसेंट है ना सॉरी बीस परसेंट जर्नी है वो आपकी गाइडेंस है अब वो आपको से मिलते है? वो गाइडेंस गाइडेंस आपको आपको से मिलती है कोचिंग इंस्टीट्यूट ही देता है तो इसलिए यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको गाइडेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है एक जो इंस्टीट्यूट होता है वो आपको गाइड कर देता है उसके बाद की जर्नी जो अस्सी परसेंट की है वो आपको तय करनी है ठीक है तो इट इज मोर ऑफ द सेल्फ स्टडी देन द कोचिंग लेकिन कोचिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कोचिंग बिना एक थोड़ा सा बेस भी नहीं बनता आपको पता ही नहीं होता कि किस तरफ पर किस पाथ पे जाना है ठीक है क्योंकि यूपीएससी में आपकी खुद की सोचने की क्षमता आपके कुछ लिखने की क्षमता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश ये पढ़ लो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा सिंपली ऐसा आएगा लो दैट्स इट आपको टीचर बता देता आप उसी लकीर पर चलते रहते हो और आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है बट यूपीएससी ओनली ट्वेंटी परसेंट आपका कोचिंग वाला काम करता है और अस्सी परसेंट आप खुद काम करते हैं आपकी सोच काम करती है तो उसी बीस परसेंट को एक्वायर करने वाले ने कोचिंग जो ज्वाइन की तो मैंने क्या करता था मैं वीकेंड बैच ज्वाइन किया मैं यहाँ से फ्राइडे रात को निकलता था अपने सिटी से और सैटरडे मॉर्निंग वहां पहुंचता था और सैटरडे सुबह से लेकर शाम तक हमारी एक क्लास होती थी और देन संडे को सुबह सात बजे से लेकर रात के आठ बजे तक हमारी दूसरी क्लास होती थी एक हफ्ते में दो क्लासेस होती थी पूरा दिन वो क्लासेस चलती थी और बीच में ब्रेक्स भी मिलते थे नो no डाउट और फिर संडे रात को मैं वहां से नौ घंटे की जर्नी तय करके मंडे सुबह यहाँ पर अपनी सिटी में पहुंचता था और तो बैंक की ड्यूटी ज्वाइन करता था ये मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल एक साल तक चला है यस yes, ये एक साल तक मेरा पूरा पूरा शेड्यूल चला है इस तरह से मैंने अपनी बैंकिंग को भी मतलब अपनी बैंक की जॉब के साथ मैंने प्रिपरेशन किया यूपीएससी की कोचिंग को किया मतलब एक साल प्रॉपर नहीं था आई थिंक दस ग्यारह महीने था ठीक है कोचिंग एक साल की थी बट मैंने बीच में डेढ़ दो महीने पहले ही ड्रॉप कर दिया था क्योंकि वो बाकी चीजें मुझे समझ में लग गई थी कि हाँ अब मैं कर सकता हूं खुद से सो so, यहां पर आपका ये एक काफी अजीब सा सुनने को लगता है कि इतना कुछ कैसे कर लिया वही आपको कहता हूँ कि अगर आपके दिल में जुनून है आपके दिल में जज्बा है आपके दिल में जिद है कुछ करने की तो आप कुछ भी कर सकते हैं अगर मेरे दिल में जिद थी मुझे उसका रिजल्ट नहीं मालूम था उस टाइम पर रिजल्ट बिल्कुल नहीं मालूम था कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्या मैं यूपीएससी कर पाऊंगा क्या मैं सिविल सर्वेंट बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा बट एक कोशिश करने का एक जज्बा था कोशिश करने की एक जिद थी और उसी कोशिश करने की जिद ने मैं शुक्रवार रात तक शुक्रवार शाम तक सात बजे तक मैं बैंक में रहता था शुक्रवार रात को मैं निकलता था सुबह पहुंचता था नौ घंटे की जर्नी करके ट्रेन पे कभी बस पे कभी ट्रेन पे कभी बस पे जो भी मेरा चलता रहता था और इवन तो बस वाला और ट्रेन वाला कंडक्टर भी पहचानने टीटी भी पहचानने लग गया था कि फ्राइडे को हमेशा आता ही आता है रात को फ्राइडे रात को कई बार टी टी सीम मिल जाते थे तो वो भी पहचानने लग गया था और वहाँ पर भी हम रहते थे एक फिक्स होटल कर लिया था होटल ले लिया था होटल मतलब इन द सेंस कि एक ऐसा रूम ले लिया था जो कि वीकेंड के बेस पर चार्ज करता था और खाना वाना वहीं पर ही जैसे तैसे खाना है तो ये सारी सारी मैंने इस तरह से किया उसके बाद फिर अटैम्प्ट आए दिए प्रिलिम्स नहीं निकला प्रिलिम्स निकला मेंस नहीं निकला मेंस निकला ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत सारी चीज़ें हुईं बहुत सारी चीज़ें देखी बहुत सारी चीज़ें सीखीं बहुत सारी चीज़ें समझी बट फाइनली uh, जो एक uh, होता है ना कि एक इंसान का ड्रीम ठीक है अचीव नहीं हो पाया बहुत कोशिश की थी बहुत ट्राई किया था बहुत मेहनत की थी उसके लिए बहुत कुछ uh, देखा था झेला था बट uh, सेल नहीं हो पाया ठीक है बट नहीं हो पाया तो इट डजेंट मीन कि उससे हमने कुछ जाना नहीं कुछ पहचाना नहीं कुछ सीखा नहीं जर्नी काफी लंबी थी चार साल चार से पांच साल मैंने इस जर्नी को दिया था अपने जिसमें एक साल तो मेरा ऐसे ही बीता था मुझे पता ही नहीं था मैं कब सो रहा हूं अब आपकी की डेट में आप आप सोचते हो ना कि सर आप जॉब के साथ भी पढ़ा कैसे रहे हो आप सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हो रात को आप नींद नहीं लेते तो ये मेरी उस टाइम की ही आदत है उस टाइम भी यही होता था बैंक से जॉब पे आप पढ़ूंगा कब पढ़ूंगा कब पढ़ता था रात को जब तक नींद नहीं आती थी तब तक पढ़ता रहता था किताबों के साथ ही सोता था सुबह फिर जल्दी उठ के पढ़ने की कोशिश है क्योंकि सुबह बैंक में जाकर पहले पढ़ना है फिर आ, फ्राइडे रात को निकल कर और फिर ट्रेन में भी पढ़ना है बस में भी पढ़ना है और इवन जिस ऑटो पे या मेट्रो पे जा रहे हैं हम बस से कोचिंग इंस्टीट्यूट तक उसमें भी पढ़ना है फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर जब ब्रेक आए उसमें भी पढ़ना है क्योंकि एक एक टाइम एक एक सेकंड कीमती होता है जिंदगी का कोई भी सेकंड ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है मैं और कुछ नहीं कर रहा कुछ ना कुछ और कर रहा हूं चाहे आप आराम ही क्यों नहीं कर रहे लेकिन वो भी एक कीमती है कि आप आराम क्यों कर रहे हो ये चीज एक जानना जरूरी होता है कि आप आखिर आराम कर रहे हो आप सोचते हो कि सर आराम कर रहा हूं बट आराम क्यों कर रहे हो किस वजह से कर रहे हो क्या आपने इतना ज्यादा सफिशियंट अपने आप को पढ़ लिया था क्या अपने दिन में इतनी अच्छे से तैयारी कर ली थी कि अब मुझे दस मिनट आराम की नीड है आराम को हमेशा रिवॉर्ड की तरह लो ना कि आराम को एक लग्जरी की तरह लो अगर आपको लगता है कि पूरे दिन में मैंने इतनी अच्छे से प्रिपरेशन की है या फिर पिछले तीन घंटे से मैं इतने अच्छे से तैयारी कर रहा हूं इतने अच्छे से मैं पढ़ रहा हूं उस चीज को आप एक रिवॉर्ड की तरह लो कि मैं अगर दो घंटे पढ़ूंगा तो मुझे पंद्रह मिनट का आराम मिलेगा लेकिन दो घंटे में पढ़ूंगा तभी मिलेगा अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो नहीं मिलेगा वो चीज है ना तो इट शुड बी लाइक द रिवॉर्ड वो लग्जरी नहीं होने चाहिए हाँ यार यार मैंने पढ़ लिया मैं पढ़ लूंगा यार मैं अभी पहले सो लेता हूं मैं पहले आराम कर लेता हूं मैं टीवी देख लाता हूं मैं एक्सपीडेंट देख लेता हूं ये देख लेता हूँ वो देख लेता हूं। नहीं होना चाहिए ऐसा इसी से जर्नी से मैंने आगे कंटिन्यू किया जब ये जर्नी मेरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई देन आई थॉट कि अब क्या अब क्या करूं क्योंकि एक अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है एक अंदर हमेशा फ्रस्ट्रेशन होती है ऑब्वियस है आपसे भी नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई पर होगा बट द थिंग इज उस फ्रस्ट्रेशन को आप किस पॉजिटिव वे में लेके जाते हो उस फ्रस्ट्रेशन लेवल को मैं टीचिंग में लेकर आया अपनी कि जो मेरे से नहीं हो पाया उस फ्रस्ट्रेशन लेवल को मैं टीचिंग में लेकर आया और टीचिंग में मैंने उसको पहले सोचा मैं यूपीएससी ऑब्वियस है उस फील्ड में था तो यूपीएससी को पढ़ाऊं पढ़ा हुआ था बट देन आई थॉट नोट टू गो फॉर द यूपीएससी क्योंकि यूपीएससी में वाकई में सच्चाई है आप इस चीज को मानो या ना मानो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने देखा अरे यूपीएससी में ना टीचर्स बहुत है सोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन बच्चों के पास सोर्सेज वाकई में यूपीएससी के उस टाइम ऑनलाइन सोर्सेज आ चुके थे टीचर्स आ चुके मैंने ट्राई भी किया यूपीएससी में पहले स्टार्ट में अनअकेडमी से जुड़ा तो यूपीएससी की कैटेगरी से मैंने स्टार्ट किया था अपना पढ़ाना वहां पर लेटर ऑन देन आई थॉट कि बैंकिंग सेक्टर में आपके टीचर्स नहीं हैं ऑनलाइन जो एक क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो नो डाउट थे टीचर्स ये नहीं कह रहा थे बट मुझे एक लगता था कि मैं एक उनसे बेटर आपको करवा सकता हूं उनसे बेटर कोई चीज प्रेजेंट करा सकता हूं तो डिस्पाइट बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट एंड यूपीएससी एजुकेटर मैंने अपने आप को स्विच किया बैंकिंग एग्जाम कैटेगरी में ताकि मैं अपनी क्वालिटी जो यूपीएससी की क्वालिटी है जो यूपीएससी के नॉलेज है उसको बैंक एग्जाम की तरफ मैं उसको सेंट्रिक कर सकूं और बैंक सेंट्रिक बैंक एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने बारे में कुछ अपने बारे में अपनी नॉलेज के साथ शेयर कर सकूं ताकि उनको क्वालिटी कंटेंट मिले अब यहां पर मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा यहां पर यह भी आप मैं सोचिएगा सर यूपीएससी में कंपटीशन होगा यूपीएससी में कंपटीशन नहीं था उतना कंपटीशन इधर था उतना कंपटीशन उधर था लेकिन आई थॉट टू गिव दैट वॉज द जेन्युइन रीजन कि जो मैंने देखा जो मैंने समझा कि आई थॉट टू स्विच टू दी बैंकिंग जाम कैटेगरी ठीक है एंड अब जून में जाकर उस चीज़ को चार साल हो जाएंगे मेरी ऑनलाइन टीचिंग को स्टार्ट किए हुए और ये एक छोटी सी जर्नी थी जो कि मुझे आज एस्प्रेंट जो मैंने सीरीज देखी उसमें जब वो न्यूज़ आई थी ना जब वो जैसे ही न्यूज़ आई कि अटैम्प्ट जो हैं चार से छः साल कर दिए गए हैं एंड उसी वक्त मेरे माइंड में एक चीज आई अरे यार यही तो मूवमेंट था जब मैंने न्यूज सुनकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था तो बहुत आते हैं उतार चढ़ाव लेकिन जिंदगी हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाती है जज्बा जुनून जद जिन्द। जिंदगी में हमेशा ऐसी होनी चाहिए चीज हो ना हो मिले ना मिले हासिल हो ना हो बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई और ट्राई हर एक मतलब कह दो ना मरते दम तक करना चाहिए आखिरी मोमेंट तक ट्राई करनी चाहिए आप लोग ना दिल झार जाते हो छोटा कर देते हो मतलब लड़कियां भी हैं मेरी बहनें छोटी हैं कोई इक्कीस साल की होगी बाईस साल की होगी तेईस साल की होगी इस एज में ना बहुत एक ना अजीब सी फीलिंग होती है बहुत जल्दी ना किसी को हल्का सा भी कुछ कह दो वो बिल्कुल मायूस हो जाती है मायूस लड़का भी हो सकता है इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं इक्कीस बाईस तेईस साल की उम्र में बहुत इमोशनल होते हैं हम लोग और बट ये एक ऐसी चीज़ होती है आपका माइंड जो है ना वो बहुत जल्दी चेंज को अडोप्ट भी कर लेता है अगर आपको आज की डेट में कुछ कह रहा हूं तो आप वो चीज़ मान भी लेते हो अपनी पेरेंट्स की बात मान लेते हो बट जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है वो आप थोड़ा सा मानते नहीं उस बात को ठीक है तो आप में जोश पूरा होना चाहिए इमोशनल होना आपकी अच्छी बात है जो 21, 23, 22 के हैं उनको बता रहा हूँ इमोशनल होना अच्छी बात है बट यू शुड बी स्ट्रोंग मतलब इन बिटवीन आपको एक स्ट्रोंग होना चाहिए ताकि आप हार ना मानो क्योंकि एक रिजल्ट आता है आप बहुत रोने लग जाते हो मायूस हो जाते हो हफ्ते बाद दूसरा एग्जाम होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है कोशिश छोड़ना मत बहुत कुछ देखने को मिलेगा अभी तो आपकी ज़िंदगी की शुरुआत ही कहूँगा कि आप एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट एक ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और ज़िंदगी को अभी आपने जीना है जो मेरे स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं मैं उन उनको मैं मतलब जो पहले थे उनको मैं हमेशा कहता था बैंक की तैयारी उतनी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी बैंक की नौकरी करना मुश्किल है मैंने देखा दस साल हो गए जॉब करते करते आई नो कि क्या चीज यहां पर मैंने उसमें देखी है ठीक है तो वही कहता हूं कि का क्रैक करना इतना, इतना मुश्किल नहीं है जितना बैंक की जॉब करना तो अभी अपने को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा आपको जिद रखनी पड़ेगी अगर आपको नींद आ रही है बारह बजे अगर आपको एक बजे नींद आ रही है तो यार क्या फर्क पड़ता मतलब कर करो ना यार पढ़ो पंद्रह मिनट पढ़ लो बीस मिनट पढ़ लो मतलब पांच पांच मिनट दस दस मिनट भी जो होते हैं ना आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं पंद्रह मिनट मायने रखते हैं मिनट मायने रखते हैं करके तो देखो अच्छा लगेगा आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी बहुत लोग कहते हैं छे घंटे की नींद जरूरी है सात घंटे की नींद जरूरी है आठ घंटे की नींद जरूरी है बट अभी एक समय है एक साल दो साल तीन साल एक ऐसा अपने आप को एक तैयार कर लो ना एक जितनी भी मुश्किलें आए तो फिर कुछ भी नहीं आपको कोई भी चीज नहीं तोड़ पाएगी कोई भी चीज नो रोक पाएगी जब जाता था ना वहां पर जब तो थकान कितनी होती है आप सोच सकते हो कि पाँच दिन मंडे से फ्राइडे दो दिन की ऑफ भी मिलता था सैटरडे संडे एक सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे छुट्टी होती थी बट फर्स्ट और थर्ड सैटरडे छुट्टी लेनी पड़ती थी मुझे वो भी था और थकान हो जाती है पाँच दिन काम किया फिर उसी रात चल पड़ा फिर अगले दिन पूरा दिन क्लास अटेंड की फिर अगले दिन पूरा दिन क्लास अटेंड की एक बार तो खान सर ने ऐसा कह दिया सैटरडे रात के और बीच में सर्दियां भी आई मतलब बिल्कुल एकदम कड़क ठंड जो होती है उसमें भी हमने दिल्ली की सर्दियों में और एक बार तो क्या होगा इतनी ज़्यादा ठंड थी इतनी ज़्यादा ठंड का सीज़न था रात के सैटरडे रात की, की लेट क्लास खान सर ने खुद ली थी तो खान सर ने कहा कि ओके सो ट इज द टाइमिंग ऑफ टुमारोज क्लास हमने कहा सेवन ए एम नो नो नॉट नोट दोर ए एम हमने कहा सर क्या बात कर रहे हो सर सुबह चार बजे बोलो सुबह से हम पढ़ रहे हैं अब कल सुबह चार बजे पढ़ाओ नहीं नहीं यस yes, फोर ए एम इज अ ब्रह्म मुहूर्त उन्होंने वर्ड लिया दैट इज ब्रह्म मुहूर्त इंग्लिश में पढ़ाते थे वो इंग्लिश में बात करते थे हमेशा क्या था चार बजे से सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है यार चार बजे बहुत अच्छा टाइम होता है पढ़ने का बहुत बढ़िया टाइम होता है आप आकर तो देखो अरे यार इतनी ठंड में सुबह सुबह चार बजे ना कोई मेट्रो ना कुछ आएंगे कैसे बट लेटर ऑन हमने कन्विंस किया सर को नहीं सर चार बजे नहीं सीरियस तो थे वो तो मतलब जिद पे अड़ गए हमने कहा कि सर नहीं चलो नेगोशिएशन करते हैं हमने कहा सर चलो छह बजे आ जाए नहीं नहीं चार बजे फाइनली पांच बजे में माने वो कहते ठीक है कल पांच बजे आ जाना आज भी याद है धुंध थी इतनी जबरदस्त हम नजदीक ही रुक गए रात को हम उसके जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट था हम दूर वैसे रुकते हैं हम थोड़े से जाते थे हम रुकने बट दूर नहीं गए क्योंकि वहां से फिर सुबह सुबह कन्वीनियंस कन्वीनस नहीं मिलना था तो नजदीक रुके सुबह सुबह पैदल आ रहे हैं पूरी धुंध कुछ दिखाई नहीं दे रहा एंड वी रीज द इंस्टीट्यूट एंड खानसर वॉज ऑलरेडी देर मतलब वो बंदा ऑलरेडी वहां पर था अब सीधी डेडिकेशन यार मतलब वो बंदा लास्ट में रात को आठ बजे हमें छोड़कर गया और सुबह हमसे पहले वो क्लास में मौजूद था विद मतलब टिप टॉप पूरा रेडी बंदा सुबह नहा धोकर ऐसा नहीं है कि मैं सुबह आपको पढ़ाने में जाता हूँ ठीक है यार बाल खड़े हैं टॉप मतलब एक डेडिकेशन लेवल देखो कि टिप टॉप नहा धोकर इतनी सर्द भरी सुबह में ही वॉज देर पूरे जोश के साथ उन्होंने पढ़ाया सो so, ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई जो आपसे शेयर की एक बार तो इवन एक मेंस एग्ज़ाम में जब देने गया था एक और चीज़ बताता हूँ मेंस एग्ज़ाम में मैं देने गया था वो अपना एग्ज़ाम मेरा मेंस एग्ज़ाम था और जस्ट दो दिन पहले मुझे ज़बरदस्त फीवर चार दिन पहले मुझे ज़बरदस्त फ़ीवर एंड ऑल हो गया मेन्स एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था उस टाइम पे और उस टाइम मैंने डॉक्टर के पास गया डॉक्टर ने मेडिसिन वेडिसिन दे दी चार दिन बाद मेन्स एग्ज़ाम था और मैंने जयपुर सेंटर फिल किया था और मेन्स एग्ज़ाम जब था तो वहाँ पर मतलब गंगानगर से जयपुर जाना था तो ऑब्वियस है वहाँ पर मेन्स एग्ज़ाम काफ़ी दिन चलते पूरा हफ़्ता चाहिए था वहाँ पर तो हफ़्ता मुझे वहाँ रुकना था तो मुझे फ़ीवर आ गया हाई फीवर था टेस्ट वेस्ट कराया तो उसमें आ गया डेंगू डेंगू का सीज़न अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पर डेंगू चरम सीमा पर होता था अभी तो फिर भी कम हो गया प्रिकॉशंस लेने लगे लोग उस टाइम काफ़ी होता था तब तो स्टार्ट में आ ही आया था डेंगू तो डेंगू हो गया अब पेरेंट्स ने मना कर दिया नहीं जाना बंदो नहीं जाना यार इतने लेकिन मैं तो जिद पर अड़ गया मैंने कहा मैंने तो जाना है मैं डॉक्टर के पास गया मैंने कहा मुझे तो मेडिसिन दो मुझे तो जाना है मैं तो एग्ज़ाम दे के आऊँगा मेरा तो एग्ज़ाम डॉक्टर ने मना किया नहीं जाना मैंने कहा नहीं जा कर रहूंगा मतलब घर में लड़ाई पूरी तरह से बुरी तरीके से की दवाई ले ली दवाई लेकर गया मतलब वो उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी दिन में तीन तीन पैरासीटामोल खाता था और मतलब पैरासीटामोल खाता था बुखार उतरता था मैरासीटामोल खाता था फिर बुखार उतरता था ऐसी सिचुएशन हो गई और दवाइयाँ और जो चल रही थी वो तो थी पहुंचा वहां पर पहले दिन जैसे तैसे करके पहला इंग्लिश वाला वापस आया तो मुझे वॉमिट आई आ, वोमिट आई मुझे और अचानक से जब वॉमिट आई तो आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वॉश बेसिन वॉश बेसिन पे खड़ा था और जब एकदम से फिर मेरी मुझे ऐसे याद है बस जैसे वॉमिट की और मुझे याद नहीं अंधेरा हो गया और जब ऐसे मैंने खोला तो मैं नीचे गिरा पड़ा था दिस इज अ रियलिटी मैं कोई फिल्मी स्टोरी नहीं बता रहा आपको कोई इमोशनल करने दिस इज़ रियलिटी तो मैं वहां पर नीचे गिरा पड़ा था तो मैंने आँख खोली मैंने कहा क्या हुआ मेरे साथ और बिलीव नहीं करोगे मुझे याद नहीं मैं कितनी देर वहाँ पर बेहोश पड़ा था और अकेला था उस रूम में कोई नहीं था होटल का रूम था अकेला था मुझे याद नहीं मैं कितनी देर वहां पर बेहोश था Uh, मैं खड़ा हुआ मैंने हाथ पथ साफ किए और वॉमिट वमेट थोड़ी सी यहाँ भी लगी हुई थी और साफ साफ किया और बेड पे मैं लेट गया और फिर मैंने घर पर फ़ोन किया और बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया तो ऑब्वियस है डांट पड़नी थी क्योंकि वो चीज़ ने मुझे डरा दिया एक्चुअल में मतलब मुझे ये नहीं था कि मैंने कहा चल दवाइयाँ खा के दे दूंगा एग्जाम तो दे दूंगा यार क्योंकि प्रिपरेशन तो पहले कर ही चुके थे एग्जाम के दिन प्रिपरेशन नहीं होती एक और चीज़ है मेरे फंडा है मैं एग्जाम के दिन कभी प्रिपेयर नहीं करता अगर एग्जाम है उस दिन मैं एक दिन पहले चिल करता हूँ फ्रेंकली बता रहा हूँ मैं जो भी एग्जाम चाहे टेंथ का दिया हो चाहे ट्वेल्थ का दू हो चाहे ग्रेजुएशन के दी पोस्ट ग्रेजुएशन के दी हूँ जो भी एग्जाम मैंने दिया चाहे बैंकिंग के ही दी मैं एक दिन पहले बिल्कुल चिल करता हूँ चिल मतलब इन द सेंस मैं बिल्कुल दिमाग पे प्रेशर नहीं डालता बोझ नहीं डालता हार्डली मैं अगर नॉर्मल रूटीन में 12-15 घंटे पढ़ता हूँ तो उस दिन मैं शायद दो से तीन घंटे पढ़ता हूँ एक दिन पहले तो मुझे पता था मेरी तैयारी पूरी है मुझे वहाँ पर जाके बस आराम करूँगा सारा दिन और जाकर एग्जाम सेंटर में दो घंटे तीन घंटे बैठ कर ही तो आना है लिखना ही है कर लूंगा मैं जैसे तैसे गोलियां खा के लेकिन वो जब बेहोश हुआ तो आई थॉट कि यार ये गलत कर रहा हूँ मैं अपनी बॉडी के साथ तो मुझे यहाँ पर घर वापस लौट जाना चाहिए फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ जो मेरे पेरेंट्स को पहले रियलाइज़ हो चुका था तो उनको फ़ोन किया ऑलरेडी डांट पड़ चुकी थी तो दे बुक दे टिकट्स और वापस फिर मैं आया तो वो मीन्स एग्ज़ाम भी मैं एक बार तो दे ही नहीं पाया था होती है सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है है ना तो मेहनत का रिजल्ट आ, आज की डेट में खड़ा हूँ यार आपके सामने हूँ मतलब कि मुझे कभी ऐसा लगता नहीं मतलब आप लोगों का इतना प्यार मिला आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला आज की डेट में इतना कुछ है आ, ये बन गया कैमरा इतना बढ़िया लगा इतना बढ़िया लैपटॉप है ठीक है ये पूरा एक स्टूडियो रूम है इतनी अच्छी वाइफ है वाइफ का अपना चैनल है मेरा अपना चैनल है और आप लोगों के सपोर्ट से ना मतलब आज की डेट में ना आ, वो पास्ट में जाने का ना वो नहीं होता कि आ, दुख नहीं होता कि यार ये पास्ट में मैंने कर नहीं पाया अगर हाँ ये चीज़ अगर इतना प्यार इतना सपोर्ट ना मिला होता ना तो शायद आज मैं वही सोच रहा होता वही दुखी होता वही इमोशनल होता यार क्या यार मैं बैंक की जॉब कर रहा हूँ जबकि मैं कर सकता था कुछ ऐसा ना ऐसा ये कर सकता था वो कर सकता था बहुत कुछ कर सकता बट नाउ विद योर सपोर्ट एंड विद योर एफर्ट्स एंड विद योर ब्लैसिंग्स आज खुश हूँ आज हैप्पी हूँ आप लोगों के साथ हूँ और इस जो जर्नी को मैं आगे और लेकर जाना चाहता हूँ ठीक क्या मतलब मैं और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैंने आपको देखा अब यही रीज़न था कि मैं जीके ही करंट अफेयर्स से क्यों चुना क्योंकि यूपीएससी से वही चीज़ मैं लेकर आ सकता था इधर क्योंकि मैथ्स रीजनिंग अपने बस का नहीं था एक यार क्या होता है कि अंदर से जो चीज़ आती है ना वो चीज़ पढ़ानी चाहिए ठीक है मतलब मेरे अंदर से एक था करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस बैंकिंग मुझे आती थी वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ बट नॉट दी मैथ्स रीजनिंग मेरा मतलब मेरा जोनर नहीं था तो दैट्स वाई चाहे वो मेन्स एग्जाम का पार्ट था स्टार्टिंग में ये भी बहुत होता था मेरे साथ कि यार प्री एग्ज़ाम में आता है तो सारे टीचर्स जो है ना मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश वाले सारे ले जाते हैं और हम मेन्स वाला मैं अकेला हूँ मैं पीछे रह जाता हूँ चाहे व्यूज़ के मामले में चाहे जैसे मर्जी मामले में बट आई वॉज सेटिसफाई मैंने धीरे 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 ग्रो करता रहा ग्रो करता रहा और फिर वाइफ साथ में आई तो उसने हेल्प की सब कुछ सपोर्ट किया उसने अपनी एक अलग जर्नी इस्टेब्लिश की उसने अपनी अलग एक मुकाम आज बना रही है वो कर रही है अच्छी मेहनत कर रही है एंड आई होप कि वो मुझसे भी आगे खैर अभी इन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर तो बढ़ ही चुकी है बट बाकी सवेरे एस्पेक्ट्स में आई वॉन्ट कि वो आगे बढ़े अभी उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी जर्नी चार साल की हो चुकी है उसकी एक साल भी नहीं हुआ वो एक साल हो चुका है उसकी जर्नी को क्या होगा क्या नहीं होगा बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है मेहनत आपके लिए करते रहेंगे बट आप भी मेहनत करना मत छोड़िएगा एंड यही है आशा कि आज जो भी मैंने बातें कही हैं उससे आप कुछ ना कुछ चाहे एक परसेंट दो परसेंट कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और ये सब चीज़ें मैंने आपको को कोई मोटिवेट करने के पर्पज़ से या उस परपज़ज़ से नहीं की है जस्ट आप समझ लीजिए एक बात कर रहे थे हम लोग आपस में एक नॉर्मल वे में हम बातचीत कर रहे थे आपको अब इससे क्या चीज़ कौन सी एक पॉइंट है जिससे आपको कुछ सीखना है आप अपनी लाइफ में जो चीज़ अप्लाई कर सकते हो वो आपके ऊपर है ठीक है बट आई वॉन्ट कि कुछ ना कुछ आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो ये कर दीजिए वो कर दीजिए हौसला रखिए ये सब बातें करते हैं बहुत चीज़ें आप सुनते हो बहुत सारे वीडियो सुनते हो एक दिन चलती हैं दो दिन चलती हैं तीसरे दिन आप भूल जाते हो उन चीज़ों को वही ढाक के दो पात भड़ाक के तीन पात वट एवर मुहावरा इज जो भी मुहावरा है आप भूल जाते हो उन चीज़ों को आप याद नहीं रख पाते उन चीज़ों को आप फिर से वही चीज़ हो जाती है वही से वही से दिन में दो घंटे पढ़ लिया तीन घंटे घूम लिया कर लिया जो भी कर लिया बट लाइफ डिमांड्स मोर थिंग्स लाइफ को बहुत कुछ चाहिए ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए आगे Right राइट और, और हमेशा एक ही चीज याद रखना जिंदगी कभी आसान नहीं होती जिंदगी हमेशा मुश्किलों से ही भरी होती है बट मजबूत आपको खुद बनना पड़ेगा मजबूत आपको खुद बनना है ठीक है ज़िंदगी की राहें बहुत मुश्किल होंगी बहुत ही कठिन होंगी कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पे आपको अभी स्मूथ लग रही होगी आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे होंगे घर में आराम से आप एसी के रूम में बैठे पढ़ रहे होंगे कुछ बच्चों की बात करो सारे बच्चों की नहीं बात कर रहा आपको सपोर्ट मिलता है आपके पेरेंट्स से बट काफ़ी लोग नहीं होता उनको ये भी नहीं मिलता उनके पास लैपटॉप भी नहीं होता ठीक है उस दिन एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई काफ़ी थोड़ा सा वो था मुझसे गुस्से में था वो ओके मैंने उससे बात की गुस्से का रीज़न ये था कि जो डाउनलोडिंग ऑप्शन बंद किया था उस टाइम पे तो मैंने उसको समझाया कहता उसने एक बात कही कहता सर अब पेरेंट्स को मैं कितना भी समझा लूँ पेरेंट्स मेरे मानते ही नहीं हैं उनको कितना भी कह लूँ कि लैपटॉप मुझे दिला दीजिए मेरा लैपटॉप पढ़ना जरूरी है मेरे से मुझसे मोबाइल में नहीं पढ़ा जाता मैं टैब पर पढ़ता हूँ ये वो मोबाइल पर पढ़ता हूँ टैब किसी का ले रखा है उस पर ये प्रॉब्लम और इस है पर वो प्रॉब्लम आ रही है तो मैं पेरेंट्स को यहाँ पर एक मैसेज यहीं पर ही देना चाहूँगा कि एक बार अपने बच्चे पर बिलीव करके तो देखिए अगर कोई भी पेरेंट्स अगर मेरी बात सुन रहे हैं अगर वो अभी तक उस लेवल पे बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो यही उनसे गुजारिश है एक बार अपने बच्चों पे बिलीव तो करके देखिए अगर बिलीव करोगे तो डेफ़िनेटली वो आपको रिज़ल्ट देगा ही देगा और वो पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा और ऐसा पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा कि वो आपको मतलब मजा आ जाएगा क्या करो पॉजिटिव रिज़ल्ट तो सभी को उम्मीद होती है और आपके बच्चे का भी पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा तो ज़रा सा सपोर्ट करके देखिए ज़रा सा उसको हौसला दे के देखिए तो अच्छा लगा आज आपसे बात करके अच्छा लगा आपसे अपनी सभी चीज़ें शेयर करके और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ अच्छी लगी होंगी थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो ज़रूर अपने बारे में कुछ लिखिएगा कमेंट सेक्शन में अपने बारे में बताइएगा कि आप क्या करते हैं आप क्या सोचते हैं आपकी जर्नी कैसी है आप किन मुश्किलों से गुज़र रहे हैं या उससे आप कैसे ओवरकम हुए हैं इंपॉर्टेंट बात है कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज़ बताइएगा आप किस मुश्किलों से गुज़र रहे हैं और किस किस तरह की मुश्किलों से आपने ओवरकम कैसे किया उन मुश्किलों को ठीक है ओवरकम की ताकि बाकी लोग अगर कुछ कमेंट्स को पढ़े तो उनमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें हौसला है क्योंकि मेरी जर्नी हो सकता है आपकी जर्नी ना हो लेकिन हो सकता है किसी और की जर्नी आपकी जर्नी से मिले तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा कि कैसा चल रहा है कैसी तैयारी चल रही है क्या क्या हो रहा है आपके साथ और जुड़े रहिएगा बने रहिएगा और आप सभी के प्यार के लिए आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक समय ऐसा आया था कि जब बिल्कुल टूट टूट गया था मतलब लिटरली जब यूपीएससी नहीं क्रैक हो रहा तो टूट गया था, तो सोचा क्या करूं तो यही एक टीचिंग सोचा कि हाँ टीचिंग कर लेता हूं मैं ओके तो सोचा टीचिंग कर लेता हूं मैं तो टीचिंग करके बस जो उसके बाद फिर मिला ना जो वो फिर अच्छा रहा सब कुछ मज़ेदार रहा टेक केयर लव यू ऑल बाय बाय एंड सी यू अगेन रात को एक नौ बजे एक लाइव सेशन लूंगा ज़्यादा बड़ा लाइव सेशन नहीं होगा जस्ट कुछ अनाउंसमेंट्स करनी है कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है जो बीस लोगों के नाम मैंने बताने आपको उसमें बात करेंगे ठीक है आज रात को एम सी यू क्लास मैं नहीं लूँगा कल के मैं एक साथ ले लूंगा कल ले लेंगे कल बात कर लेंगे एम सी यू क्लास के बारे में आज रात कोई एम सी यू क्लास नहीं होगी बस एक नौ बजे छोटा सा एक लाइव सेशन होगा जिसमें मैं आपसे वो 20 लोगों के नाम शेयर करूंगा जिन 20 लोगों को हमने प्राइस देना है एक्सटेंशन देनी है अगर वो हमारे मोकटे सब्सक्राइबर हैं लव यू ऑल टेक केयर ब बाय एंड सी यू एट नाइन स्माइलिंग स चेहरा स्टे क्या बोलते हैं मैम क्या बोलती हैं है, है? स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड कीप स्माइलिंग समथिंग ऐसा बोलते हैं ना स्मृति तो जो भी बोलती है सेम टू सेम मेरी तरफ से कॉपी कॉपी टू ऑल स्टे ब्लेस्ड कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी ऑल दी बेस्ट बेस्ट विशेष मेरी तरफ से लगे रहो डटे रहो रख हौसला सलाह मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा शुक्रिया